ये देखो, एक डेस्कटॉप है, अपटेप्लेक्स 3080 3080, ठीक है। ये आया है नॉट कमिंग ऑन में, ठीक है। जैसे ही प्लग करेंगे इधर लाइट होगी, पर ये पावर ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये प्लग किया, लाइट हुई, सीपीयू का भी फैन ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं, इधर भी लाइट नहीं है। क्लिक कर रहे हैं फिर भी लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, चालू नहीं हो रहा है। पर जब इसको प्लग कर रहे हैं तो इधर लाइट आ रही है, पावर सप्लाई का जब पावर दे रहे हैं तो इधर लाइट आ रही है, लेकिन मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है, इसे पहले डिसकनेक्ट कर दूँ और जो सीमोस बैटरी है इसे चेक करें। सीमोस बैटरी पे 2 वोल्ट से ज़्यादा आने चाहिए, अगर 2 वोल्ट से कम आ रहे हैं तो सीमोस बैटरी में प्रॉब्लम है, ठीक है। अधिकतर इस केस में सीमोस बैटरी 0 हो जाती है, यानी उस पर कोई वोल्टेज नहीं होते हैं। ऐसे लगा देता हूँ, आपको दिखेगा पता नहीं, ठीक है। ये मैंने अच्छे से लगाया हुआ है, देखो कोई वोल्टेज नहीं आ रहे, ठीक है। नीचे ये लगा दिया, कोई वोल्टेज नहीं आ रहे, ठीक है। ये पूरा 0 वोल्ट है, मतलब बैटरी ख़राब हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में हमें एक बैटरी चेंज करनी है, तो हमारे पास में ये बैटरी पड़ी है इधर दूसरी, इसको चेक कर लेते हैं और फिर ट्राई करते हैं। देखो इधर 2.9 आ रहा है, ठीक है, ये 2.9 आ रहा है, मतलब बैटरी ओके है, ठीक है, 2.9 आ रहा है, ठीक है, बैटरी ये वाली ओके है। तो इसे हम डाल देते हैं अंदर, ठीक है। अब पावर प्लग करते हैं, देखो जैसे इधर ये ऑन हुआ, ये भी ऑन हो गया और ये भी ऑन हो गया, ठीक है। सीपीयू भी हीट कर रहा है, मतलब डिस्प्ले आ चुका है। ये मैंने HDMI लगाया नहीं था, तो HDMI लगा के भी एक बार देख लेते हैं डिस्प्ले। देखो चालू हो गया, ये भी हो गया, HDMI लगा हुआ है, डिस्प्ले आ गया। ठीक है, डिस्प्ले आ चुका है। ठीक है, बूट चेक कर रहा है, डिस्प्ले कंप्लीट आ चुका है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।